नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं प्रीति। ये बात आम है कि ग्रामीण इलाकों और कस्बों में लड़कियों को पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल जाने से पहले अपनी माँ का हाथ बटाना होता है, कपड़े धोने होते हैं और इसी तरह की बाकी काम भी करने होते हैं। इसी तरह की बाकी समस्याएं भी उनके साथ होती है। ये कहना है जस्टिस सुधांशु धूलिया का। ये बात उन्होंने हिजाब विवाद को लेकर अपने फैसले पर कही है। जस्टिस धूलिया के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल एक लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट हिजाब विवाद का मुद्दा नहीं सुलझा पाई। दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए हैं। एक जज ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरे जज ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं अब एक बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बीच जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटने की बात कही। जस्टिस धूलिया ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा अहम है। लड़कियां काफी दिक्कतों का सामना कर स्कूल कॉलेजों में पढ़ने आती हैं। हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था, ना ही इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। मामले में मेरी राय अलग है। हाई कोर्ट का फैसला आर्टिकल 19(1)(a) पर सवाल उठाता है। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया दोनों की अलग अलग राय है। ट्विटर पर हैशटैग हिजाब नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। कई ट्विटर यूजर भारतीय मुस्लिम महिलाओं की तुलना ईरान की महिलाओं से कर रहे हैं। कुछ लोग हिजाब के फायदे गिना रहे हैं तो कुछ नुकसान। यह वीडियो बनने तक हिजाब पर तकरीबन 20,000 ट्वीट हो चुके हैं। इस गंभीर मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ENN भारत। नमस्कार।